कानपुर में करोड़ों की साइबर धोखाधड़ी, तरीका जानकर हो जाएंगे हैरान। गैंग के दो सदस्य गिरफ्तार। देश में डिजिटलाइजेशन ने जहां भुगतान प्रणाली में सुविधा लाई है, तो वहीं इसके चलते साइबर फ्रॉड का भी खतरा बढ़ा है। आज पढ़े लिखे लोग भी तरह तरह के तरीकों से साइबर फ्रॉड के शिकार हो जा रहे हैं। साइबर फ्रॉड का ही एक मामला यूपी के कानपुर से सामने आया है, जिसको जानकर आप चौंक जाएंगे। शायद आपने ऐसा मामला पहले कभी ना सुना हो। कानपुर में एक ऐसे साइबर फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश हुआ है, जिसने आम लोगों से उनके बैंक खातों को किराए पर लेकर करोड़ों का फ्रॉड कर दिया और करीब 1200 लोगों को अपना शिकार बनाकर करोड़ों का चूना लगाया है। दरअसल यह गैंग लोगों के सेविंग बैंक अकाउंट्स को किराए पर लेता था, फिर वह फ्रॉड की रकम इन अकाउंट्स में ट्रांसफर करता था, जिसके बाद फ्रॉड करने वाले जिनके अकाउंट्स में पैसे भेजते थे उनको इसका कुछ हिस्सा भी देते थे। कैसे पकड़ा गया यह गैंग? बैंक अकाउंट्स को किराए पर लेकर फ्रॉड करने वाले इस गैंग को कानपुर से धर दबोचा गया है। बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर बेंगलुरु में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद बेंगलुरु की पुलिस ने कानपुर के थाना कोहना क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर कार्रवाई की और किराए पर बैंक अकाउंट्स को लेकर फ्रॉड की रकम उसमें ट्रांसफर करने वाले इस गैंग के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि मामले में पुलिस की जांच जारी है, वहीं आरोपियों को बेंगलुरु की पुलिस लेकर रवाना हो गई है। कैसे हुआ खुलासा? मिली जानकारी के मुताबिक बेंगलुरु पुलिस की ओर से कानपुर पुलिस को एक सूचना मिली थी कि बीते 17 नवंबर को कानपुर में हालसी रोड स्थित ICICI बैंक में एक चालू खाते में 1,20,00,000 रुपए आए हैं। इन 1,20,00,000 रुपयों में से 1,11,00,000 रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर किए गए, जिसको लेकर थाना कोहना की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त रूप से जांच शुरू की और कार्रवाई करते हुए दो अभियुक्तों शुभम तिवारी और शिवम यादव को पकड़ा। पुलिस ने जब दोनों से पूछताछ की तो पता चला कि यह लोग बैंक खाता धारकों से जालसाजी कर उनसे OTP पिन पूछकर फ्रॉड करते हैं। फ्रॉड की रकम करंट अकाउंट्स यानी चालू खाते में डालते हैं, इसके बाद किराए पर लिए हुए बचत खातों में उस रकम को ट्रांसफर कर देते हैं। पुलिस ने अब तक की जांच के आधार पर दावा किया है कि इन लोगों ने तकरीबन 1200 लोगों के बचत खाते को किराए पर लेकर उसमें फ्रॉड की रकम ट्रांसफर की है। महिला से किया गया 4,24,000 का फ्रॉड। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि कानपुर के थाना कोहना में बेंगलुरु सिटी थाना विद्यारण्य से फोन पर जानकारी मिली थी कि वहां रहने वाली एक महिला के साथ 4,24,000 का फ्रॉड OTP पूछकर किया गया है, जिसको लेकर कार्रवाई की गई। कानपुर पहुंची बेंगलुरु की पुलिस ने दोनों से पूछताछ की और उन्हें बेंगलुरु लेकर रवाना हो गई। देश में साइबर फ्रॉड का यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी साइबर फ्रॉड गैंग ने कई बड़े बड़े फ्रॉड्स को अंजाम दिया है। लेकिन इस मामले में सवाल उठ रहा है कि जो लोग इनको अपने अकाउंट्स किराए पर देते थे, क्या उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वह लोग भी इसमें सहयोग करते नजर आ रहे हैं। इस खबर में इतना ही। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।